भावना होनी चाहिए कि हमने कंपटीशन में पार्ट लेना है। आपको जो जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन अक्सर ये देखा जाता है जिसको बड़ा लाइटली लेते हैं बच्चे, लेकिन ड्राइंग कंपटीशन में पेरेंट्स को जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो ड्राइंग कंपटीशन होता है ये भी एक बच्चे के अंदर एक भावना लाता है अनुशासन की। शायद आपको मालूम हो बड़े से बड़े जितने कंपटीशन होते हैं आपके अंदर जितने आप उनके अनुशासन को देखिए, अनुशासन कहां से चलता है, आप लाइन सीधी लाने के लाइन। मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें होती है इसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इनका रोल होता है, इसलिए इन सब चीजों को आप लोगों को पार्ट लेना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा जो ये RWA आज जो प्रयास किया है सभी को इकट्ठा करके बच्चों को बुलाकर एक ये भावना जो लाई है आपका, आपने जो प्रेरणादायी काम किया मैं आपको बधाई भी देता हूँ। जैसे कि महेंद्र नागपाल जी भी सारी बात कर रहे थे, गुलाटी जी ने भी कहा, तो मैं केवल आप लोगों से सिर्फ इतना ही विनती करना चाहता हूँ कि कुछ चीजें होती है पहले हम लोग अनुशासन में रहे, हम लोग खुद अनुशासन में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुधरने शुरू हो जाती है। हमने आज इस पार्क का 15 दिन के अंदर अंदर में आप लोगों के सीखे जो दे रहा हूँ वो पार्क आपको एक तो उसमें प्रयास किसका था, प्रयास एक बार सफाई हुई, प्रयास हम लोगों ने मिलजुल कर किया, वो मिलजुल का जो प्रयास था वो हुआ क्या, आज पार्क को सुंदर सुंदर बिल्कुल आप सामने जाइए, सामने जाके देखोगे आपको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके सहयोग की जरूरत है, अगर आप लोग मुझे सहयोग करेंगे तो क्षेत्र को साफ रखने में हर प्रकार का आपको मैं पूरा योगदान भी दूंगा, आप लोगों का ही प्रयास था इस कूड़ेदान को हटाने के लिए, आप लोगों ने ही मिलते थे इसके बारे में जब कहते थे मुझे भी लगता था कि ये नहीं है, ये प्रयास किया दिला दिला प्रयास किया तो आज वो क्षेत्र स्वच्छ होने जा रहा है। इसी प्रकार से थोड़ा सा घरों के आगे कूड़ा न डाले, घरों के आगे हम कोई हरी सब्जी ना डाले जिससे कि जानवर चलता रहे, जानवर को किसी भी हमारा पशु को कुछ खाने को मिलेगा तो आएगा, ये तो ये लगता है आप कुत्ते को गली मत दीजिए तो कुत्ता वहां से चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं वहां पर, तो इसीलिए आप लोग भी अगर मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे सहयोग करेंगे तो मैं आज पूरी क्षेत्र के अंदर सेवा भी करना चाहता हूँ, करूंगा भी सही। विशेष एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.